जैन साथियों, आज हम करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का ये पैसेज 15। ठीक है, ये क्लास होगा 37वां क्लास होगा ये। ठीक है, और इस पैसेज में अभी जो पैसेज करने वाले हैं, तो पैसेज को जैसे मैं करवाता हूँ, जैसे आप लोग करते हैं पैसेज, पैसेज को वैसे ही करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को वॉच करिएगा, और जैसे तो मैं टाइम दे रहा हूँ, और इससे पहले जो क्लास करे थे पैसेज को वैसे ही करिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी रह जाता है आपको, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नंबर वैसे ऑन रहेगा अभी। ठीक है, और अगर तब भी अगर बाई मिस कर कभी कभी फोन ना लगे तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं व्हाट्सएप आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपका सेट नंबर 7 से है। ठीक है, सेट नंबर 7 से ये पैसेज है, और इसके बाद सेट नंबर 7 में अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप करना मुझे। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो भी करे हो, जो करे मेंबर के अलावा जो और आप हैं, तो वो सब जब भी करें तब भी आप मुझे अपना नेम और सिटी और क्या क्या क्वेरी है मुझे आप कमेंट कर देना। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करता हूँ और स्टार्ट कर लेता हूँ आज का क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना हूँ कि आप चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना आप। ठीक है, चलो देखिए, पैसेज ये है। ठीक है, पैसेज ये है, और पैसेज आने का चांस ही बहुत ज्यादा बनता है ये, तो पैसेज को गौर से देखें, फोकस करें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें से कुछ वर्ड है, मैं वर्ड बताऊंगा आपको। दरअसल पहले पैसेज से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है इसके पहले पढ़ लीजिए, ताकि उस क्वेश्चन के बेस पर आप लोग कुछ ना कुछ माइंड में रहेगा। ठीक है, देखिए पैसेज जैसे मैं करता हूँ, पहला आपका क्वेश्चन जो है, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट एंड हीज मैन वेयर किल्ड वैन। ठीक है, रॉबर्ट फाल्कन एंड उसके जो लोग थे, साथी थे, कलीग जो थे, वो कब मारे गए थे, कब मर गए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जस्ट बिफोर हिज डेथ स्कॉट, अगर वो डेथ से पहले क्या कर रहे थे। ठीक है, वह सिंगिंग सॉन्ग, ऐसे ही पैसे पर होगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जेम्स वाज सैड एंड विदाउट होप बिकॉज ही फियर दैट। क्या था जेम्स जो था वहां पर, जेम्स जो कोई है, पैसे नहीं पढ़ेंगे तब जानेंगे जेम्स कौन था, उस सैड थे, और उसका कोई आशा नहीं था कि उसे किसी बात का डर था। ऐसा क्या डर था उसे, किस बात का फियर था, ये हम पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, तब इसका आंसर कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द वर्ड इम्पेडिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय, देखिए वर्ड जो है इम्पेडिंग, इम्पेडिंग का सिनोनिम्स में क्या है। ठीक है, सिनोनिम्स में कौन सा वर्ड है इसको देखेंगे, ये चीज तो पैसेज में किस तरह इसका यूज किया गया है हम वो देखेंगे। साथ साथ में देखते हैं कि एलेशन दैट ही दैट दिस पैसेज टीच अस इज, देखो ये कह रहा है, इस पैसेज जो दिया गया है, इस पैसेज हम लोगों को क्या सीखने मिलता है, क्या हम लोग सीखते हैं, ये पैसेज पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे, पैसेज को समझना भी पड़ेगा, तभी हम इसका एनालिसिस करके हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पैसेज पा जाते हैं, और चलिए पैसेज मैं क्या करता हूँ, आपको पहले सबसे पहले तो 1 से 1.5 मिनट में 2 मिनट में पैसेज को रीड कर लीजिए एक बार थ्रोली, उसके बाद आंसर करिए मेरे साथ, जैसे मैं लाइव करवाता हूँ। अभी तो आप लाइव हो नहीं, तो आप, मैं पैसेज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को देखना आप। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्या इन 1012 द ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट एंड हीज मैन वेयर कॉट इन अ फियर्स ब्लिजार्ड एंड पेरिश्ड व्हाइल रिटर्निंग टू देयर कैंप आफ्टर रीचिंग द साउथ पोल। देखो क्या है, ये कब की बात है, ये 1012 ईस्वी की बात है, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर, ठीक है, ये खोजकर्ता जो है, ठीक है, कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन और उसके जो कलीग थे, जो उसके मैन थे, उसके साथ जो गए थे, वो क्या कर रहे थे, एक ब्लिजार्ड क्या होता है, फियर्स ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड मतलब क्या होता है, बर्फीली तूफान जो होती है ना, जो बर्फ के जहाँ बर्फ बहुत ज्यादा होता है वहां बर्फीली तूफान, जहाँ बर्फ बर्फ उड़ते रहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ये, एंड पेरिस्ट वाइल रिटर्निंग टू देयर कैंप कैंप आफ्टर रीचिंग द साउथ पोल। क्या कर दिए थे, उसमें में फंस गए थे। ठीक है, उस बर्फीली तूफान में क्या फंसने की वजह से क्या हो गए, तो जितने भी लोग थे सब उसमें मारे गए थे। कब मारे गए थे, जब ये साउथ पोल यानी दक्षिणी गोलार्ध से, दक्षिणी गोलार्ध से जब ये वापस आ रहे थे, अब कहाँ पर, तो अपने कैंप में आ रहे थे, उसमें बर्फीले तूफान में क्या कर रहे, फंस गए और सभी लोग वहां पर मारे गए। ठीक है, देयर टेंट बरीड अंडर अंडर सो स्नो वॉज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग ईयर बाय सर एमेस्ट एमएस शैकल्टन। देखो देयर टेंट वॉज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग ईयर, देखो उसका टेंट, टेंट मतलब जहां पर कैंप लगाए थे, वो क्या पहले तो क्या हो गए थे, बरीड अंडर स्नो मतलब कि उस बर्फ के अंदर में क्या गए थे,
ढक गए थे, मतलब बर्फ के अंदर में चले गए थे उसका टेंट, वो कब खोजा गया? तो उसके नेक्स्ट ईयर में, कह रहे हैं द फॉलोइंग ईयर, उसके बाद जो ईयर आया था उसमें किसके द्वारा खोजा गया था? तो सर एमेस्ट एमेस्ट स्केलेटन, ठीक है, सेकल्टन, इनके द्वारा खोजा गया उनके टेंट को, किनके टेंट को? तो ये रॉबर्ट फाल्कन के टेंट को खोजा गया। अब क्या कह रहा है, स्कॉट वाज फाउंड होल्डिंग इन हिज हे डेड हे हैंड एंड अनफिनिश्ड लेटर एड्रेस टू हिज ऑथर फ्रेंड जेम्स बैरी। देखो स्कॉट क्या, ये फाल्कन स्कॉट के बारे में बात किया जा रहा है, ये फाल्कन स्कॉट के बारे में। स्कॉट जो था ये कैसे मिले थे, अपने हाथ में वो अनफिनिश्ड लेटर, अनफिनिश्ड लेटर मतलब क्या, उस लेटर जो पूरा पूरा लिख नहीं पाए थे, हाथ में लेकर ऐसे हाथ खड़े थे, ठीक है, डेड हैंड मतलब कि अब वो तो पूरा मर गए थे ना, लेकिन तभी अभी तक क्या थे, वो खड़े ही थे अपने हाथ में लेटर, कौन से लेटर लेकर, जो अधूरे लेटर लिखे थे वो किसको लिख रहे थे, उनका एक फ्रेंड था, उसका एक फ्रेंड ऑथर था, उनको लिख रहे थे, उनका नाम क्या था, जेम्स बैरी नाम था, ठीक है, उनको ये पत्र लिख रहे थे। आफ्टर डिस्क्राइबिंग दी ब्लिजर्ड एंड इम्पेडिंग अ डूम, स्कॉट रोट दैट ही एंड हीज कलीग्स वेयर स्पेंडिंग द टाइम सिंगिंग सॉन्ग्स एंड मेकिंग प्लीजेंट कन्वर्सेशन। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब जब ये लेटर लिख रहे थे, जब लेटर लिख रहे थे तो ये डिस्क्राइब क्या किए थे, डिस्क्राइब क्या किए थे, किसके बारे में, तो ब्लिजार्ड यानी कि बर्फीले तूफान जो आने वाला था, बहुत खतरनाक तूफान आने वाला था, ठीक है, उसके बारे में, और इम्पेंडिंग डूम। देखो जब भी वो उस एरिया में ऐसा कुछ होता है ना जहाँ पे बहुत सारा बर्फ होता है, पहले पता चल जाता है। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या करा था, इम्पेंडिंग के बारे में बात करा था ना, ठीक है, इम्पेंडिंग डूम, डूम मतलब क्या होता है, एक प्रलयकारी जो कुछ ऐसा आने वाला होता है बहुत ही खतरनाक, जो जैसे भूकंप हो गया, जैसे बर्फबारी बहुत ज्यादा होता है बर्फ के जहाँ पर होता है ना, वहां पर मतलब प्रलय समझ लो, प्रलय। इम्पेंडिंग मतलब क्या, आने वाला, इम्पेंडिंग मतलब आने वाला, जो भविष्य में आने वाला होता है ना उसे क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग कहते हैं, ठीक है, तो इम्पेंडिंग मतलब ये हो गया। वैसे क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन में तो नहीं और जानेंगे हम लोग, ठीक है। डूम स्कॉट रोट दैट ही एंड हिज कलीग वेयर स्पेंडिंग द टाइम सिंगिंग सॉन्ग एंड मेकिंग प्लेजेंट, और उसमें ये भी लिखा था कि जब वो सब समझ गए थे कि बहुत ज्यादा आने वाला है, बहुत खतरनाक टाइम आने वाला है आगे, तब भी हम लोग अपना टाइम कैसे बिता रहे हैं, किस गए टाइम बिता रहे हैं, तो गाना गाकर और अच्छा अच्छा प्लीजेंट कन्वर्सेशन, अच्छी अच्छी बातें करके हम लोग टाइम बिता रहे हैं, उसने ये क्या करा है, ठीक है, ये बताया है। बिलो दीज लाइन ही हैड रिटेन इन बोल्ड लेटर वन वर्ड करेज, और ये लाइन लिखने के बाद एक बड़ा सा लेटर में क्या लिखा था, यहाँ पर करेज लिखा था, करेज मतलब साहस, साहस बड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख दिया था उस लेटर में। वेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड, सैकल्टन हैंडेड ओवर द लेटर टू सर जेम्स बैरी हु रेड इट एंड केप्ट इट इन अ बॉक्स। देखो जब वो रिटर्न आए इंग्लैंड, कौन रिटर्न आ रहे, जो एमेस्ट यहाँ कह रहे ना, एमेस एमेस सैकल्टन, एमेस सैकल्टन जब वो इंग्लैंड आए तो किसने किसको दिया लेटर, जिसके नाम लेटर लिखे थे, यानी कि सर जेम्स बैरी को लेटर दे दिए, ठीक है, उसने सर जेम्स बैरी ने उस लेटर को पढ़ा और एक बॉक्स में डाल दिया, रख दिया, ठीक है। ए फ्यू इयर्स लेटर सर जेम्स डेवलप्ड सम डिफेक्ट इन हिज राइट हैंड बिकॉज ऑफ विच ही कुड नॉट होल्ड अ पेन। कुछ सालों बाद क्या हुआ, जो सर जेम्स बैरी जो थे उनके, वो तो क्या थे, ऑथर थे ना, कुछ समय बाद क्या हुआ, उनके हाथ में एक डिफेक्ट हो गया, कुछ बीमारी आ गया, जिसके कारण से वो अपना पेन तक पकड़ नहीं सकते थे, अपना पेन तक पकड़ नहीं सकते थे, ऐसा हो गया। द ऑथर डिस्पेयर्ड ऑफ एवर बीइंग एबल टू राइट अगेन। वो किसके बारे में चिंतित थे, किसके बारे में सोचने लगे थे, किसके बारे में चिंतित थे, वो जो हो सकता है कि वो कभी भी लिख नहीं सकते हैं, वो ऐसा सोचने लगे थे, वैसे तो मन में आ गया था, चिंता हो गया था उसे, ठीक है। वन डे इन अ डिस्पोंडेंट मूड ही टुक आउट स्कॉट्स लेटर एंड रेड इट अगेन। एक दिन क्या हुआ, ऐसे उदासी मन से, उसका मन नहीं लग रहा था, उसके वजह से क्या कर दिया, उसने स्कॉट का लेटर लिया और पढ़ना फिर से शुरू कर दिया, ठीक है। इट लिफ्टेड हिज स्पिरिट्स एंड सेट हिम थिंकिंग।
उसके मन में कैसा एक अजीब सा जागृति जाग जाती है, मन में एक अजीब सा उत्साह आ जाता है, ठीक है। और ये सोचने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं, इफ स्कॉट एंड हिज मैन कुड रिमेन चीयरफुल इन द फेस ऑफ सर्टेन डेथ, कुड ही टू नॉट लर्न टू फेस एडवर्सिटी ब्रेवली। अगर उनका दोस्त स्कॉट, उनके कलीग जो थे, इतने मुसीबत में जो समझ रहे थे अब कितने मौत करीब थे, जो मौत का निश्चय था, तब भी वो क्या थे, खुशी मना रहे थे, क्यों नहीं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, कुड ही डू, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता है क्या, नॉट लर्न टू फेस एडवर्सिटी ब्रेवली, ठीक है। साथ से क्या उस मतलब उसका जो हैंड खराब हो गया था ना, पेन नहीं पकड़ पा रहे, क्या उसको उसे वैसे लड़ नहीं सकते थे क्या, वो अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं वो। He picked up his pen and began practicing writing with its his left hand. और क्या कर रहे हैं वो, अपने बाएं हाथ से पेन उठाया और लिखने की उसने कोशिश प्रैक्टिस करने लगे वो, ठीक है। किस है कैसे, क्योंकि वो इतने उसके पेन जो थे ना, जो फाल्कन स्कॉट उनके जो मैन थे, ठीक है, वो इतने मुसीबत में जानते थे मेरा मौत होगा ही, तब भी वो कितना खुशी मना रहे थे, तो क्यों नहीं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, इतनी मेरी मुसीबत है, इसलिए अपने क्या लेफ्ट हैंड उठाया और लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने लगा। इन अ फ्यू वीक्स ही कुड राइट परफेक्टली विद वेल इट विद, कुछ सप्ताह के बाद क्या हुआ, उस बाएं हाथ से और बढ़िया से लिखने लगे, उस लेटर के वजह से, इतने साहस के वजह से, ठीक है। तो ये था पैसेज, ठीक है। अगर पैसे में तभी कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना। चलो अब क्वेश्चन पर करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग करते थे लेकिन क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मुझे बताना आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट एंड हिज मैन वेर किल्ड व्हेन, कैसे मर गए थे रॉबर्ट स्कॉट और उसके जो कलीग थे, उसके मैन जो उसके साथ थे, कैसे मर गए थे, कब। ऑप्शन है, दे वेर गोइंग टू द साउथ पोल, जब वो उत्तरी गोलार्ध पर जा रहे थे तब, दे रिच द साउथ पोल, जब वो पहुंच गए थे तब साउथ पोल पर, दे वेर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ पोल, जब वो वापस आ रहे थे तब, हाँ, देयर टेंट गॉट बरीड अंडर द स्नो, जब उसका जो टेंट जो था जब वो बर्फ में ढक गया था तब। इसका आंसर क्या दोगे आप, ऑप्शन नंबर सी दोगे, दे वेर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ पोल, ये पैसेज में पूरा क्लियरली मेंशन है, व्हाइल रिटर्निंग टू देयर बेस कैंप आफ्टर रीचिंग द साउथ पोल, जब वो पहुंच गए थे तो जब रिटर्न करे तब, ऑप्शन नंबर सी अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट बिफोर हिज डेथ स्कॉट, अब देखो मरने से पहले, उसके मरने से पहले जो फाल्कन थे स्कॉट ने क्या, स्कॉट क्या कर रहे थे, वाज सिंगिंग सॉन्ग, गाना गा रहे थे वो, वाज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहे थे, वाज राइटिंग द वर्ड करेज, ये करेज वर्ड लिख रहे थे, वाज पुटिंग द लेटर इन द बॉक्स, क्या बॉक्स में डाल रहे थे, इसका आंसर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर बी दोगे, वो क्या लेटर लिख रहे थे, तब उसके हाथ में लेटर रह गया था ना, अनफिनिश्ड लेटर रह गया था, पैसे में देखोगे ना अनफिनिश्ड लेटर रह गया था, हैंड में ही रखे थे वो, क्या है ना, डेड हैंड अनफिनिश्ड लेटर, क्या ना होल्डिंग, जब लिख रहे तभी की बात है ये, ठीक है। चलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर वाज राइटिंग लेटर। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, जेम्स वाज सैड, जेम्स कौन था, जेम्स बैरी था ना, ये ऑथर थे ना, फाल्कन के फ्रेंड थे, ठीक है। एंड विदाउट होप बिकॉज दी फियर्ड, वो किस लिए डर रहे थे, क्यों उदास थे वो जेम्स बैरी, हाँ, ही कुड नॉट होल्ड ए पेन, वो पेन होल्ड नहीं कर सकते, पेन नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, इसलिए चिंता थे, कभी वो शायद लिख नहीं सकते अपने हैंड से, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं, ही कुड नॉट मीट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाया, ऐसा तो नहीं होगा, ही वुड नॉट एबल टू राइट अगेन, ये आपका आंसर होगा, इसमें आपका सही आंसर मैंने गलत करवा दिया था, ठीक है। वो इसलिए चिंतित थे, लिख नहीं रह पा रहे थे, इसकी वजह से नहीं, वो शायद कभी भी लिख नहीं पाएंगे राइट अगेन, कभी लिख नहीं पाएंगे, इसके वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैं भी यहाँ कंफ्यूज कर गया था, मैंने पढ़ा तभी मैं जान पाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ही वुड नॉट एबल टू राइट हिज राइट हैंड, वो इसलिए नहीं थे कि ऐसा क्लियर नहीं है, पैसे में तो है यहाँ पर, लेकिन इसलिए चिंतित थे कि कभी वो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, ये थे इसलिए चिंतित थे वहां पर, ठीक है, इसलिए उसका डर था, उसका मन में था, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर सी भर के करके आप आगे निकलना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, द वर्ड इम्पैडिंग कैन बी रिप्लेस, इम्पैडिंग मतलब क्या, मैंने बताया था ना, फोर्थ कमिंग, आने वाला समय जो होता है, ओवरकमिंग, किससे मुक्ति पालना, छुटकारा पालना, ओवरकमिंग होता है, आपका आंसर होगा नहीं, वार्निंग चेतावनी होगा नहीं, वेटिंग होगा नहीं, आपका अप्रोचिंग हो जाएगा,
मतलब क्या होता है, जो कोई चीज आने वाला तो क्या होता है, अप्रोचिंग होता है, पहुंच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इसका आंसर, ये दो ऑप्शन नंबर डी दो इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्या कह रहा है, ए लेसन दैट दिस पैसेज टीच अस। देखो ये आपका पैसेज जो है, ठीक है, हम लोग क्या सिखाता है, नेवर टेक रिस्क, कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, गलत है। नेवर गिव अप करेज, कभी हम लोग को साहस नहीं छोड़ना चाहिए, आपका सुटेबल लग रहा है। अगला देख लेते हैं एक बार, डू नॉट डिसअपीयर, कभी चिंता नहीं करना चाहिए, गलत है ये चीज। लर्न हाउ टू सर्वाइव इन ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड मतलब क्या, वो अंदर जो बर्फीले तूफान जो होते हैं ना, उसमें कभी कैसे मतलब जी पाएंगे हम लोग, कैसे उससे बच सकते हैं, ये गलत हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेवर गिव अप करेज, कभी भी सांस नहीं छोड़ना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। ये पैसेज पांच पैसेज रहा, ठीक है, और इस पैसेज आप करें, ठीक है, और पैसेज में कोई क्वेरी रह जाता है तो आप मुझे वही नंबर 8210711821 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, अगले मैं लेसन लेके आ रहा हूँ जो कि आपका ये सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस 10 वर्ड करवा रहा हूँ, 10 वर्ड को करें, और मैं फिर क्लास लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।